सभी मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड जेपी एस्ट्रोलॉजर, शनि देव के गोचर को लेकर हाजिर हूं आपके सामने। 16 जनवरी 2023 को शनि देव कुंभ राशि में आने वाले हैं। कुंभ राशि, जैसा कि आप जानते हैं, शनि देव की मूल त्रिकोण राशि होती है। कहते हैं शनि देव इस राशि में आराम फरमाते हैं, ये उनका घर है। 30 सालों का चक्र जो वो घूमते हैं सभी राशियों में, तो कुंभ राशि में आकर वो थोड़ा आराम करते हैं। यहाँ शनि देव मुदित और शांत अवस्था में होते हैं और इस राशि का शनि यानी कुंभ राशि का शनि जातक को ज्यादा परेशान नहीं करता। इसको आप इस परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि अगर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे मीन राशि को चलेगी ये आखिर में बताऊंगा, तो शनि द्वादश भाव में स्वग्रही होने की वजह से शनि की 7.5 का उतना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। शनि देव का राशि बदलना इस चराचर जगत में सबके ऊपर प्रभाव डालता है। मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, राज्य, देश, दुनिया और इस धरती पर। शनि देव का रंग काला, शरीर से विकलांग, नेत्र सुंदर परंतु कातर, दीर्घ आकृति और नपुंसक लिंग का कहलाता है। काले वस्त्र वृद्धावस्था का कारक होता है, नौकर का कारक होता है, दास का कारक होता है, नौकरी का कारक होता है, कर्म का कारक होता है। शनि के क्रीड़ा स्थल कूड़ा घर, शमशान और शराब खाना कहा जाता है। श्रमिक वर्ग और दस्यु प्रवृत्ति का आश्रय दाता भी शनि को कहते हैं। शनि को नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है और काल पुरुष का दुख तथा कष्ट माना जाता है, यानी शनि देव कष्ट के कारक होते हैं और शनि देव का धातु लोहा होती है। शनि देव की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि होती है। कारक आप जानते ही हैं, 6, 8, 10, 12 भाव के कारक शनि होते हैं। चलिए मैं यहाँ शनि देव के परिचय में ज्यादा समय आपका नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी देते चलना अच्छा होता है सबके। जैसे बेसिक के अनुसार सूर्य देव से शनि देव की स्थिति काफी दूर होती है। इस दूरी के प्रभाव के कारण ही शनि देव तक सूर्य की किरणें नहीं जाती, इसलिए यह विद्याहीन, काला, प्रकाशहीन व मूर्ख माना जाता है। जिनकी कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी नहीं होती वो विद्याहीन और मजदूर वर्ग के होते हैं। किसी भी पदार्थ पर सूर्य देव की किरणें अगर ना पड़े तो वो पदार्थ उन्नति नहीं कर पाता। आप 2 पेड़ रखें गमले में अपने घर के बरामदे में, एक को सूर्य की रोशनी दे और एक को ना दे, तो आप देखेंगे जिस गमले को सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है वहां फूल पत्तियां नहीं आती है, लगभग नहीं आती, और जिसको सूर्य की रोशनी मिल रही है वहां फूल खिलते हैं। शनि देव रोग का कारक भी होते हैं और शनि देव पंगुत्व का, हैंडीकैप्ट का कारक भी होते हैं, क्योंकि शनि देव को लंगड़ा ग्रह माना जाता है, ढाई चाल इसीलिए शनि देव की कही जाती है। दांतों में कष्ट, स्नायु रोग, पुराना बुखार इत्यादि सभी शनि के अंतर्गत आते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए शनि देव का ये गोचर फल क्या प्रभाव डालने वाला है वृष राशि के जातकों पर, उसकी चर्चा करेंगे। तो वृष राशि के जातकों के लिए शनि देव होंगे दशम भाव में। दशम भाव पिता का, राजनीति का भाव होता है। इस भाव में शनि जब विचरण करता है तो जातक के ज्ञान का स्तर काफी अच्छा हो जाता है। राजनीति से लाभ, गांव का मुखिया, राज्य का मुखिया बनने के योग भी बनते हैं। ज्योतिष में रुचि, सभी से न्याय की बात करने वाला होता है जातक। दशम का शनि जातक को भावुक बनाता है और अति महत्वाकांक्षी भी बनाता है, जिसको अंग्रेजी में एम्बिशियस कहते हैं। लेकिन दशम भाव में शनि के गोचर के दौरान अचानक उन्नति और अचानक अवनति के योग भी बन जाते हैं। शनि देव के साथ इस 2.5 साल में
सूर्य देव कम से कम दो बार मिलेंगे तो उस वक्त व्यवसाय में हानि, आर्थिक हानि और अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पिता के साथ मतभेद और पिता के साथ विच्छेद का योग भी बनता है। दशम में शनि के गोचर के दौरान आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसका नुकसान आपके पिता को उठाना पड़े। व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए जन्म स्थान से आप दूर जाना चाहते हैं तो आप इस वक्त जा सकते हैं, आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति के मामले में आप भाग्यशाली नहीं रहेंगे। धार्मिक क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। लेखन कार्य से आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं और एक ज्योतिष के रूप में भी आपको सफलता मिल सकती है अगर ज्योतिष को आप पेशे के रूप में लेते हैं। अगर इस गोचर के दौरान शुक्र जब भी शनि देव के साथ योग बनाएंगे तो उस वक्त आपको अपनी काम भावनाओं को काबू में रखना होगा। शनि देव की तीनों दृष्टियों का आकलन करते हैं। दशम भाव में शनि देव बैठकर द्वादश भाव पे दृष्टि डालेंगे। द्वादश भाव में शनि देव की दृष्टि मामा मौसी के लिए कष्टदायक होती है लेकिन शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। पर जातक शुभ कार्यों से ज्यादा अशुभ कार्यों में धन खर्च करता है। शनि देव की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी। चौथे भाव में पड़ रही शनि देव की ये दृष्टि समाज में आपको मान सम्मान दिलवा सकती है। आपकी उम्र 35 से अगर ज्यादा है तो आपको राज्य में सम्मान और अधिकार की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। लेकिन माता के सुख में कमी हो सकती है। शनि देव की दसवीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव में शनि देव की दृष्टि पड़ने के कारण इस वक्त आपके विवाह में देर हो सकती है। अगर विवाह के लिए बातचीत चल रही है तो विवाह में देर हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है। कलहपूर्ण वातावरण बना रह सकता है इस गोचर के दौरान। दशम भाव में विचरण कर रहा शनि जब सप्तम दृष्टि पे सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है तो जातक को अपने कामुक विचारों पर काबू रखना चाहिए क्योंकि दशम में बैठा हुआ शनि जातक को कामुक विचारों वाला बनाता है। दशम भाव में शनि के विचरण के दौरान खर्च की अधिकता, विदेश व्यापार में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। अपने क्रोध पे आप नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 14 अप्रैल 2023 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। अगर आपकी उम्र 70 प्लस है तो आपको स्वास्थ्य की वजह से काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। अपने क्रोध को काबू में रखने की कोशिश तो जरूर ही कीजिएगा। अप्रैल 2024 से लेकर मई 2024 तक का समय आपके लिए बहुत बेहतर नहीं रहने वाला। खर्च ज्यादा होगा। करप्शन के किसी केस में आप जेल भी जा सकते हैं या स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अस्पताल जा सकते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड काम अगर आप करते हैं, अगर आप वैज्ञानिक हैं तो आपको इस वक्त सफलता मिल सकती है। तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से। यहाँ एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि शनि देव के फलादेश जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ शनि देव का फलादेश दे रहा हूँ। बाकी के बचे 8 ग्रहों का भी कुछ उतार चढ़ाव होता है तो जो भी फलादेश मैं बता रहा हूँ इसमें कहीं बढ़ोतरी और कहीं कमी भी हो सकती है क्योंकि एक ही ग्रह पूरा रूल तो नहीं करता कोई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।